ग्रेट पोहा विच आई हैव गॉट ओ चम्मच गिर गया मेरा। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स एंड लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स बैंगलोर। और अभी सुबह थोड़ी मतलब विजिबल वाली सुबह हो गई है तो मुझे भूख भी लग रही है एंड और पेट्रोल भी थोड़ा कम हो रहा है। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि कहीं पेट्रोल पंप पे रुकते हैं और बाइक को भी रेस्ट देते हैं और मैं भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कुछ कर लेता हूँ जो कि कमल ने मुझे पैक करके दे दिया था क्लार्कसन से। मुझे भूख भी लग गई है और मैंने वो पैकेट खोल लिया जो मेरे को क्लार्कसन से उन्होंने ब्रेकफास्ट में पैक करके दिया था एंड इट्स रियली ग्रेट पोहा विच आई हैव गॉट। मैं लगता है बहुत स्टफिंग होगा, अभी मैंने ब्रेक ले लिया तो उसके बाद मुझे लगता है कि लंच के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर लेना भी पड़ा तो विल हैव इनफ पोहा एंड लॉट ऑफ थिंग्स विच दे हैव गिवन। मज़ा आ रहा है खाने में। ओ चम्मच गिर गया मेरा। सो माई बेली इज फुल, पोहा खा के मज़ा आ गया एंड आई रियली थैंक द हॉस्पिटैलिटी ऑफ क्लार्कसन एंड स्पेशली देयर स्टाफ हाउ दे ट्रीटेड मी। अब एक कॉन्फिडेंस है ऑन द राइड बिकॉज मेरा जो व्हील जो फ्रंट रिम था वो बेंड हो गया था जैसा कि मैंने एक ब्लॉग में भी कवर किया एंड देन बिफोर द राइड आई हैड टू गेट इट करेक्टेड। और हुआ ये था कि सर्विस मैंने दो दिन तीन दिन पहले ही कराई थी तो उसमें ये डिस्कवर हुआ और नया रिम भी रिप्लेस नहीं हो सकता था। तो लोकली चंडीगढ़ में जहाँ पे भी एक रिम एक्सपर्ट था मैंने उससे कनेक्ट किया एंड जो डिटेल्स हैं मैंने ऑब्वियसली लिंक में डाल दी हैं वीडियो के। अब गर्मी ज़रा ज़्यादा बढ़ गई है बट एक चीज़ अच्छी है, हाईवे बिल्कुल क्लियर है, स्मूथ है। बट इस हाईवे पे अगेन वो प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है कैटल वाली। और अब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट स्टॉप मैं लेता हूँ सिर्फ एक हाइड्रेशन ब्रेक लूँगा छोटा सा और टैंक रिफ्यूल करके आगे चलूँगा। द थिंग इज़ कि इस हाईवे पे लॉन्ग स्ट्रेचेज पे अभी आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, हमें सीधा जाके वो मिलेगा आहार रेस्टोरेंट जो कि देवरी के पास है। और बिकॉज अभी मेरा टमी फुल है तो ऑब्वियसली मैं नहीं वहाँ पे लंच करूँगा। और मैंने ये सोचा है कि जस्ट टू मीट द ओनर बिकॉज आई थिंक एक बॉन्डिंग बन जाती है जब आप इतना लंबा ट्रैवल कर रहे होते हो और एक बार दोबारा आते हो वहाँ पे तो पीपल रिकग्नाइज यू। Stop for some time, not more, not much. You have to relax a bit. ये ज़्यादा कुछ उतारेंगे नहीं, कोल्ड में क्या क्या होगा वो ले लेंगे। लंच वंच तो नहीं करना आज, मूड ही नहीं है लंच का, ठंडा पानी पी लेंगे है ना। सो आई एम बैक टू आहार रेस्टोरेंट जो कि मैंने अपने जाते टाइम पे क्या बोलते हैं ब्लॉग में भी कवर किया था एंड आई थिंक आज यहाँ पे आई विल नॉट स्टॉप फॉर लंच, आई जस्ट हैव समथिंग टू ड्रिंक, कोल्ड टू ड्रिंक और यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स करके उसके बाद लेट्स मेक अ मूव। एक बज गया ऑलरेडी और मेरा डेस्टिनेशन यहाँ से नागपुर होगा, देवरी से कितना रह गया एक बार चेक कर लेते हैं हम अपने। हाँ तो 323 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, हाईवे अच्छा है, बीच में थोड़े से ब्रेक ओवर्स आएंगे एंड आई थिंक बीच में स्टॉप लेके चलेंगे एंड द सेम रूल नॉट टू स्टॉप एक्सेस, दैट्स हाउ इट इज़ गोना बी। सो वेन एवर यू आर यू नो ट्रैवलिंग ऑन दिस हाईवे अगेन आई विल रिकमेंड इट्स नियर देवरी आहार रेस्टोरेंट। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम ग्वालियर इट विल बी ऑन लेफ्ट साइड, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम नागपुर इट विल बी ऑन योर राइट साइड, रेड कलर का बाहर आपको दिख जाएगा। बहुत अच्छी जगह है, यू कैन रिलैक्स, मतलब पैर फैला के रिलैक्स कर सकते हो, अच्छी जगह एकदम बढ़िया। ठीक है तो जस्ट वेट करते हैं अपने छाछ का जो कि अभी ऑर्डर किया है। आई फील दिन के राइड के कुछ एडवांटेजेस तो होते ही हैं, सो यू हैव सर्टन एज और यू कैन से एडवांटेजेस ऑफ राइडिंग इन द डेलाइट। एक तो विजिबिलिटी है राइट, दूसरी एक चीज़ ये आ जाती है आपको के कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी। बट अब अगर वेदर अगर आपका ख़राब है तो फिर जैसे ख़राब है इन द सेंस गर्मी ज़्यादा है तो अभी जैसे आप देख रहे हो कोई भी पेड़ नहीं है रुकने के लिए, छाई नहीं है, वो चीज़ है। और फिर कई बारी हमारे कंट्री में कंस्ट्रक्शन तो रहती है, कुछ डाइवर्जेंस आपको मिलते रहेंगे ठीक है, तो उसकी वजह से कई बारी थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाती है। अब मुझे ये लग रहा है कि अब पेंच नेशनल पार्क है वो जो आएगा नेक्स्ट आएगा और उससे पहले मैं अपना होटल बुक कर लूँ
बिकॉज़ फिर मैं पेंच नेशनल पार्क का भी वही रूल है कि उससे पहले जो पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पे रुक के रूम बुक करेंगे और फिल करके टैंक एक ही बारी स्टॉप करेंगे सीधा होटल। रिलैक्स करने के लिए रुका था मैं यहाँ पर और अभी होटल बुक हो गया है एंड इट इज़ गोइंग टू बी सेम ले मेरिडियन नागपुर एंड वी गोना हेड टुवर्ड्स ले मेरिडियन। तो ले मेरिडियन पूरा दिखा रहा है यहाँ से 101 किलोमीटर एग्जैक्ट। आई थिंक इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द हाईवे। अच्छा हो गई। एक चीज़ में मैं हमेशा लकी रहा हूँ कि जब भी सूरज ढल रहा होता है या इवनिंग हो रही होती है मैं बहुत ही ज़्यादा सीनिक स्पॉट पे होता हूँ। अभी भी ये पेंच नेशनल पार्क है और इसके थ्रू मैं क्रॉस कर रहा हूँ। दोनों साइड ट्रीज हैं और आगे ब्लू स्काई दिख रहा है और ये जो फील आ रहा है ना वो जो इवनिंग वाला बहुत ही मज़ेदार फील है। मतलब आई एम जस्ट इंजॉइंग दिस फील। और दूसरा ये रहता है ना कि आपको कहीं ना कहीं वो मार्किंग भी मिलती रहते हैं एनिमल्स की या कॉशन बिकॉज यू आर इन द सम नेशनल पार्क राइट नाउ एंड वो थोड़ा सा थ्रिल जो है ना राइड में जिसको कहते हैं बरकरार रखता है। अब मुझे एक चीज़ जो है हमेशा फील होती रहती है कि मतलब इतने लंबे ट्रिप पे मैंने अकेले कर लिया और मेरा ग्रुप मेरे साथ नहीं है बट देखते हैं नेक्स्ट राइड में हो सकता है पीपल माइट ज्वाइन इट। राइड जो है वो ख़त्म होने को आई है। अब मैं नागपुर रुकूंगा और उसके बाद सीधा स्ट्रेच है बैंगलोर का और दूसरी राइड का ऑलरेडी प्लान चल रहा है दैट इज़ आर धनुषकोडी राइड। तो ये प्लान बहुत पहले से चल रहा था बट पोस्टपोन होता गया। फाइनली अब आई बी जॉइनिंग दैट राइड। पर वो कहते हैं ना जैसे पुरानी कहावत है दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है वैसे ही हर राइड पे राइडर का भी नाम लिखा होता है। सो जस्ट किडिंग गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं वो राइड ज्वाइन करूँगा और वो एक एक्साइटमेंट भी है। ये नहीं है कि अब ओके एक राइड ख़त्म हो गई तो अब क्या देखना है बट राइड इट गोज ऑन। सो आई थिंक आई कैन नॉट बी एबल टू मीट अप आकाश टुडे बिकॉज ही इज नॉट देयर इट्स नॉट हिज शिफ्ट बट स्टिल पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई वाज चेकिंग द इंजन ऑयल लेवल इट्स प्रीटी लो इट्स अलार्मिंगली लो सो आई हैव टू टॉप इट अप टुमारो मॉर्निंग बिकॉज आई हैव टू डू नाउ से 1085 किलोमीटर्स टू बैंगलोर एंड इन वन स्ट्रेच राइट। सो एसेंशली व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग लिटिल आई वुड से in a longer distance right one should be pretty much cautious about the engine oil second is about the tires so I have to check the tires in the morning also so I'm just thinking I'll just inspect before I start right so yeah this is it right now which I'm thinking secondly so again I'll be staying in this hotel that's going to be the June tip with Mahindra Thar of course and once I get the vehicle done vehicle delivered so you'll be seeing in the blogs so As of now, this is it. और क्या है और I'll just enjoy my food. That's all. So I think we have got the confirmation from the hotel that you know we can move in the morning and I can just clear off my bill. By the time I'll clear off my bill, you know the envelope will be ready and I need not to wait in the morning. So that's the thing. Where is our room? Did I forget the way? Okay. So this is the corridor right now. So Le Meridien. I'm in, okay, 209 and I'm in 208. 208. Okay. So it's morning 5:45. मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गया हूँ बस अब आई हैव टू कॉल अप समवन टू पिक अप माय लगेज। अब बस स्टार्ट करेंगे इमीडिएटली आई एम लुकिंग एट स्टार्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज आज का स्ट्रेच होने वाला है 1000 किलोमीटर एंड अप्रॉक्सीमेटली 1100 किलोमीटर्स सो कवर भी करना है और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लेट ना हो रात को राइट ओके लेट्स लोड द बाइक आई एम रेडी नाउ एंड बाइक पे अभी सामान पहुँच गया होगा सो आई हैव टू सी
यू नो माय बिल इज रेडी और नो. सो फ्रॉम नागपुर वी हैव स्टार्टेड टुवर्ड्स द फाइनल लैप टुवर्ड्स बैंगलोर. बट विद दिस स्टार्ट आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग हियर. मैं यही ब्लॉग को रोक रहा हूँ एंड विल बी राइट बैक विद अनदर एपिसोड एंड द लास्ट कंक्लूडिंग एपिसोड टुवर्ड्स बैंगलोर. बट एक्साइटमेंट इज हाई बिकॉज विल बी स्टार्टिंग और प्लानिंग फॉर द न्यू जर्नी टुवर्ड्स धनुषकोडी. सो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक विद अनदर जर्नी. And if you enjoyed the video, please do not forget to like and subscribe the channel.